हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलाम वंश। इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास किया था वो दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसको कैसे याद करना है, कितने वंश आए इसमें, उसके क्या ट्रिक्स हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो ऊपर में आई बटन आ रहा है, उससे आप उस क्लास को देख सकते हैं। ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वंश आएगा, इस क्लास के बाद नेक्स्ट वंश का ऑप्शन आएगा, उस क्लास को आप कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गुलाम वंश, जो कि 1206 से स्टार्ट हुआ है और 1290 में जाकर ये खत्म हो गया है। गुलाम वंश टोटल 11 शासकों का वंश है। इसमें टोटल 11 शासक आए हैं और हम एक शासक को देखते हैं कौन कौन से शासक है, उन्होंने क्या क्या काम किया। सबसे पहला हम लोग देखेंगे गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक रहे, आराम शाह 1210 तक रहे, इल्तुतमिश 1210 में आए 1236 तक रहे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में रहे, रजिया सुल्तान फिर आई 1236 से लेकर 1240 तक रहीं, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक रहीं। मुइजुद्दीन के बाद आए अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक, नसुद्दीन महमूद 1246 से 1265, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद कैकुबाद और उसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था और गुलाम वंश के सबसे प्रथम शासक या गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में आते हैं, 1206 में आते हैं और 1210 में चले जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गौरी का गुलाम था और गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता को संभाल लिया। इस वंश का नाम मामलुक वंश भी है, इस वंश को हम लोग गुलाम वंश या मामलुक वंश भी बोलते हैं, है ना। और बोला जाता है कि मामलुक का मतलब होता है गुलामी बंधन से मुक्त हुआ, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि ये इससे पहले ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का, वहां से ये मुक्त होकर ये शासक बना और ये इसके लिए एक उपयुक्त वर्ड है, अप्रोप्रिएट वर्ड है ना। क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में से 3 शासक दास थे, उन्हें भी पद ग्रहण से पूर्व दासता से मुक्त कर दिया गया था। टोटल 11 शासकों में 3 शासक जो थे वो दास थे और पद ग्रहण करने से पहले उन्हें दास से मुक्त कर दिया गया था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। अब भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो कैसे चला, में उसमें कितने चरण आए, उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में ऐबक के जो चरण थे वो 3 चरण क्या क्या थे। 1192 से लेकर 1206 तक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में एवं कार्य सैनिक गतिविधियों से पूर्ण था। फिर 1206 से लेकर 1208 तक भारतीय सल्तनत में मलिक या सिपह सलार के पद पर एवं कार्य राजनयिक रहे। 1208 से लेकर 1210 तक स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक शासक के रूप में कार्य किया, मतलब भारत राज्य के जो शासक बने स्वतंत्र रूप से उन्होंने इनसे काम किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 12 जून 1206 को हुआ। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, परंतु इसका मुख्यालय कहाँ था, दिल्ली था। राजधानी इसकी लाहौर थी और इसका मुख्यालय दिल्ली था। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, कुतुबुद्दीन ऐबक का मुख्यालय कहाँ थे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुतुबी तुर्क था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद था। इसका मोहम्मद गौरी का ये गुलाम भी था और इसके साथ साथ इसका दामाद भी था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या हातिम ताई की संज्ञा दी गई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदौज गजनी को दामाद, ठीक है, जो गजनी के थे यलदौज उनको दामाद, कुबाचा जो मुल्ताना सिंध को थे उनको बहनोई, और इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया ताकि गौरी की मृत्यु के बाद सिंहासन का कोई और दावेदार ना बन सके, है ना, ताकि जब इसकी मृत्यु हो तो इसके बाद इसका कोई और दावेदार ना हो सके। इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, किसकी याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का नींव रखी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु किसके याद में, अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, परंतु वह इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा सका। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का
निर्माण पूरा करवाया। मतलब कुतुब मीनार की जो नींव रखी है वो रखी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, और इसके काम को जो कंप्लीट करवाया है वो इल्तुतमिश ने करवाया है। दिल्ली में स्थित कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है कहाँ और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ, इसका निर्माण किसने करवाया। दोनों कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में है, राजस्थान अजमेर में पड़ता है, 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको याद रहे एक बात कि कुतुबुल मस्जिद जो है, कुतुबुल मस्जिद भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई तथा इसे लाहौर में दफनाया गया, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में। और चौगान मतलब चौगान का मतलब होता है गोल्फ, जो गोल्फ खेलते हैं ना घोड़े पे, गोल्फ जो घोड़े पे खेला जाता है, आप देखते होंगे कि घोड़े पर से गोल्फ खेला जाता है, तो उसके समय में उसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर करके, है ना, और इसे लाहौर में दफनाया गया था, लाहौर में इसका मकबरा है। अगला देखते हैं आराम शाह। आराम शाह के बारे में बोला जाता है कि ऐबक को संभवतः कोई बेटा नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कोई बेटा नहीं था, है ना। ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद कुछ तुर्क अमीर ने, अमीर और मलिक मालिकों ने, कुछ अमीर थे कुछ मलिक ने आराम शाह को शासक नियुक्त कर दिया, है ना। बाद में बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। मतलब इल्तुतमिश सत्ता में आने से पहले बदायूं का गवर्नर था और उसने आराम शाह को पराजित करके सत्ता अपने हाथ में ले ली, है ना। फिर 1210 में आ जाते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक इलबरी जनजाति एवं शमसी वंश से था। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की थी, कौन से वंश की, लिख लीजिएगा, इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश ऐबक का इल्तुतमिश ऐबक का दामाद एवं बदायूं का गवर्नर यानी प्रशासक था, है ना। इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद दिया गया, किसका पद दिया गया, अमीर शिकार का पद दिया गया। इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था, किसका था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया था। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। इसके साथ साथ इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी, इक्तेदारी व्यवस्था शुरू की थी, है ना। भूमि के एक भाग को 40 भागों में बांटकर उसमें 40 सरदारों को नियुक्त किया था, इसको इक्तेदारी व्यवस्था बोलते थे, इकता व्यवस्था में इक्तेदारी व्यवस्था बोलते थे उसको, है ना। इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। मतलब कि पहले दिल्ली लाहौर थी और दिल्ली से फिर कहाँ लेके आए, लाहौर थी, लाहौर से कहाँ लेके आए, दिल्ली लेके आए, है ना। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम थे, और गौरी के गुलाम कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश। तो ये एक तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ, इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, है ना। किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी महमूद गौरी का गुलाम था, है ना, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश इक्ता पर था और शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक बना। इसने चांदी और सोने के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी के सिक्कों को टंका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चांदी के सिक्कों को टंका, और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता है, याद रखिएगा, चांदी के जो सिक्के थे उसको टंका बोलते हैं और सोने के सिक्के को जीतल, का क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंका किसे कहते हैं, जीतल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, चांदी का सिक्का टंका और सोने का सिक्का जीतल कहलाता है। इसको तुर्क चहलगानी का फाउंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, तुर्क चहलगानी का फाउंडर कहते हैं। तुर्क चहलगानी क्या था, तुर्क चहलगानी 40 गुलामों का एक समूह था जो हमेशा साई की तरह इल्तुतमिश के साथ रहते थे, है ना। इन्होंने ही तुर्काने चहलगानी का भी स्थापना की थी।
दिल्ली में स्थित नसीरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने सुल्तान गोरी की याद में बनवाया था। यह मकबरा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा था। याद रखिएगा कि दिल्ली में जो स्थित नसीरुद्दीन का मकबरा है, ये भारत में निर्मित पहला मकबरा था, है ना। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि हासिल की, इसकी मृत्यु 1236 में हो जाती है। किसकी? इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में होती है। 1236 ईस्वी में मरने के पहले इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम था रजिया, अपनी पुत्री रजिया को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र महमूद मारा जा चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। परंतु तुर्कों की व्यवस्था के अनुसार कोई महिला उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। तुर्कों की एक व्यवस्था थी कि कोई भी महिला अधिकारी नहीं बन सकती, उत्तराधिकारी नहीं बन सकती है। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, रजिया के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद भी इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान ने के नेतृत्व में उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। उसके छोटे पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन, उसे सुल्तान बना दिया गया। परंतु चालिसा ने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठाया, है ना, ठीक है, इसको गद्दी पर बैठाया, रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। और उसके बाद हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट में, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो उसके छोटे वाले बेटे थे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था। क्या था ये? एक अयोग्य शासक था, है ना। जबकि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था, उनके वाले बड़े वाले पुत्र का इंतकाल हो गया था, डेथ हो गया था, मृत्यु हो गई थी। और तुर्की शासन के व्यवस्था के अकॉर्डिंग कोई भी महिला को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते थे, इसलिए रुकनुद्दीन को बनाया गया, उत्तराधिकारी शासक बनाया गया। लेकिन रुकनुद्दीन जो थे ये एक अयोग्य शासक थे, है ना। इस कारण राज्य की संपूर्ण सत्ता उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में आ गई, है ना। इसके शासन में जगह जगह विद्रोह होने लगा। रुकनुद्दीन फिरोज कुछ ही महीनों तक सुल्तान बना रहा। उसके बाद जनता की विद्रोह के कारण रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाया गया। मतलब कि जब तुर्कान ये क्या नाम है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बने तो ये एक अयोग्य शासक थे, और जब ये शासक बने तो उसकी जो माँ थी उनका नाम क्या था, तुर्कान। तुर्कान एक तुर्कान थी, उनके हाथों तो में उनका शासन चला गया। तो फिर लोगों ने विरोध करना शुरू किया। अब विरोध करते 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 फिर रजिया को शासक बना दिया। लोगों के विद्रोह के कारण, जनता के विद्रोह के कारण रजिया को सुल्तान बना दिया गया, रजिया को शासक बना दिया गया, सुल्तान बना दिया गया, है ना। रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं थोड़ा। रजिया सुल्तान के बारे में बोला जाता है कि रजिया ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त की। उत्तराधिकार को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ था, है ना, क्योंकि जनता विरोध कर रही थी। रजिया ने लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। जनता से रजिया का समर्थन जनता ने रजिया का समर्थन किया। इस प्रकार उत्तराधिकार के प्रश्न पर पहली बार स्वयं जनता ने निर्णय लिया था, है ना। किसने लिया था? जनता ने स्वयं पहली बार निर्णय लिया था। रजिया ने पर्दा त्याग दिया एवं पुरुषों के समान कुवा, जो कोट होते हैं ना, जो कोट पहनते हैं मेल, और कुल्हा यानी टोपी जो होता है, कोट एंड टोपी आजकल देखते होंगे, जो रॉक स्टार वगैरह होते हैं वो ऐसे कोट डाले होते हैं, सर पे टोपी डाली होती है, तो उसी टाइप का ये मर्दों के टाइप का ये कपड़ा पहना करती थी, पहनकर जनता के सामने आने लगी, जिससे तुर्की अमीर विद्रोह हो गए, मतलब कि तुर्की व्यवस्था में उनका विद्रोह करने लगे। रजिया सुल्तान की इन सब गतिविधियों से अमीर समूह नाराज हो गया। अमीर समूह मतलब जो भी उसके हेडिंग करते थे, जो भी उस टाइम उसके हेड लीडर थे, वो नाराज हो गए। रजिया के शासन काल में मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह कर दिया। किसने किया? मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह कर ली। किससे की विवाह? आपसे पूछे कि रजिया की शादी किससे हुई थी, तो भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से रजिया की शादी हुई थी, रजिया का विवाह हुआ था। 1240 ईस्वी में कैथल में, कहां पर? कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, रजिया पहली महिला शासक थी जिसने शासन किया था। रजिया पहली महिला शासक थी जिन्होंने शासन किया था। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्रथम महिला कौन थी, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिन्होंने शासन संभाला था। तो सबसे प्रथम मुस्लिम महिला रजिया थी जिन्होंने शासन संभाला था, जो शासिका बनी थी। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह आ जाते हैं, जो 1240 से लेकर 1242 तक रहते हैं, है ना। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या के बाद
मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बना। बहराम शाह के शासनकाल में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ, इसमें बहराम शाह भी महाराज चला गया। 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, इसमें बहराम शाह की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से लेकर 1246 तक रहे थे। बहराम शाह की मृत्यु के बाद 1242 में फिरोज शाह का पुत्र कौन था, मसूद शाह सिंहासन पर बैठा। मसूद शाह ने बलबन को अमीरे हाजिब, इसकी अमीरे हाजिब की उपाधि प्रदान की। किसको दी, बलबन को की। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, नसरुद्दीन महमूद। अब 1246 से लेकर 1265 तक उसका शासन था, वो कौन है, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र था। पौत्र मतलब होता है पोता, ठीक है, ग्रैंड सन जिसको बोलते हैं। पौत्र क्या थे, वो पौत्र थे यानी ग्रैंड सन थे। वह उदार तथा मधुर स्वभाव वाला सुल्तान था, जो टोपियों को सिलकर एवं कुरान की, ये क्या करते थे, नसरुद्दीन महमूद जो है टोपियों को सिलकर एवं कुरान की नकल कर और उसे बेचकर जीवन का निर्वाह करते थे। ये अपने जीवन निर्वाह करने के लिए टोपी सिलकर बेचते थे, कुरान की आयतों को नकल करते थे, उसको बेचकर उसका अपनी जीवन यापन क्या करते थे। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से कर दिया। किससे कर दिया, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से कर दिया। इसके फलस्वरूप सुल्तान ने बलबन को 1249 में उलुग खां और नायबे मामलिकात का पद प्रदान किया। किसका, उलुग खां की उपाधि जो है किसे दी गई थी, बलबन को 1249 में उलुग खां की उपाधि दी गई और नायबे मामलिकात का पद प्रदान किया गया। यह एक नाम मात्र का सुल्तान था, है ना। सारी शक्ति एवं उत्तराधिकार जो है 40 तथा बलबन के हाथों में थी। किसके हाथों में थी, 40 और बलबन के हाथों में थी, है ना। इसके बाद देखिए, 1266 ईस्वी में अचानक मृत्यु हो गई, इसका कोई पुत्र नहीं था, है ना। यह शमसी राजवंश का अंतिम शासक था। किसका था, शमसी राजवंश का ये अंतिम शासक भी था। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद ग्यासुद्दीन बलबन शासक बना। बलबन ने बलवनी वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की, बलवनी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट में देखते हैं, ग्यासुद्दीन बलबन, बलवनी राजवंश की स्थापना ग्यासुद्दीन बलबन ने की। बलबन गुलाम वंश का तथा बलवनी राजवंश का महान शासक था। बलबन ने अपने आप को नियामते खुदाई, क्या बोलते हैं, नियामते खुदाई यानी पृथ्वी पर ईश्वर की छाया बताया कि मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूं, यानी जिल्ले इलाही, जिसे जिल्ले इलाही कहा जाता है ना। नसीरुद्दीन महमूद ने ग्यासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। मैंने जस्ट आपको बताया था कि नसीरुद्दीन महमूद ने ग्यासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उलुग खां किसे कहा जाता है और इसे ये उपाधि किसने प्रदान की थी, ठीक है, उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के चार पुत्र थे, सुल्तान महमूद, कैकुकाबाद, कैखुसरो और कैकाउस। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। क्या इसका नाम था, बहाउद्दीन। यह इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का दूसरा इलबरी तुर्क था, है ना। इल्तुतमिश के बाद ये गुलाम वंश का दूसरा इलबरी तुर्क था। शासक बनने के बाद इसने पहले सेना का पुनर्गठन किया। सेना को दीवाने आरिज लिख लीजिएगा, दीवाने आरिज सेना से संबंधित होता है और ये बलबन ने शुरू किया था, ठीक है, बलबन ने शुरू किया था दीवाने आरिज के पद को, है ना। एक विभाग बनाया था दीवाने आरिज। बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी। ये पूछा भी आता है सिजदा और पाबोस होता क्या है। सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू की थी दरबार में फारस तर्ज के तर्ज पर। सिजदा का मतलब होता था घुटने टेक कर सुल्तान का अभिवादन करना और पैबोस का मतलब होता था लेट कर मुख से सुल्तान के चरण को चूमना, मतलब पांव का को चूमना था, इसको बोलते थे पैबोस। की प्रथा का प्रचलन किया था किसने, किया था बलबन ने, किया था जिसे आगे जाकर वो पता होगा कि शाहजहां ने बंद कर दिया था। अपने शासन का आधार रक्त और लौह की नीति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, सिजदा और पाबोस किसने शुरू किया था। याद रखिएगा, सिजदा और पाबोस बलबन ने शुरू किया था, इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये एक इलवरी इल्तुतमिश के बाद दूसरा इलवरी तुर्क था और इसका नाम बहाउद्दीन था और इसको बलबन को उलुग खां की उपाधि दी गई थी, है ना। बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए 40 दल को समाप्त कर दिया था। जैसे समाप्त कर दिया था, इल्तुतमिश ने जो तुर्कानी चहलकानी शुरू किया था उसको इन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद आते हैं कैकुकाबाद। बलबन ने अपने पुत्र कैखुसरो या कायखुसरो को अपना
उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु बलवन की मृत्यु के बाद तुर्क अमीर फिर सक्रिय हो गए तथा कैखुसरो के स्थान पर कैकुकाबाद, किसको, कैखुसरो को नहीं, उनके कैकुकाबाद को सुल्तान मनोनीत किया, इसको नॉमिनेट किया कैकुकाबाद को, कैकुबाद को, है ना। इस प्रकार बलवन का उत्तराधिकारी उसके छोटे बेटे बुगरा खां का पुत्र, क्या नाम था उनका, बुगरा खां का पुत्र कैकुबाद हुआ, है ना। इस नए सुल्तान ने मोइनुद्दीन कैकुबाद की उपाधि धारण की, किसकी उपाधि धारण की, मोइनुद्दीन कैकुबाद की उपाधि धारण की। यह बहुत विलासी प्रवृत्ति का था। इसका फायदा कोतवाल फखरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन ने उठाया तथा सत्ता हस्तगत करना चाहा, है ना। बुगरा खां के समझाने पर कैकुबाद ने निजामुद्दीन को विष देकर मरवा दिया, इसको मरवा दिया, निजामुद्दीन को विष देकर मरवा दिया। 1290 ईस्वी में कैकुवाद को पालिसिस यानी लकवा, पैरालिसिस होता है ना, पैरालिसिस, ये पैरालिसिस लिखा हुआ है, पैरालिसिस, ठीक है, लकवा जिसको बोलते हैं, इट्स पैरालिसिस, मार गया जिससे वे अपंग हो गया, कौन, कैकुवा, कैकुकावाद को 1290 में पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस के आपने सुना होगा, पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस माने से लोग जो है अपंग हो जाते हैं, लकवा जिसको बोलते हैं, लकवा आम चाल की भाषा में लकवा बोलते हैं। तो 1290 में इसको पैरालिसिस हो गया था जिसके कारण ये अपंग हो गए थे। इसके बाद जो सबसे अंतिम शासक आता है गुलाम वंश का, वो है क्यूमर्स, कौन आता है, क्यूमर्स आते हैं ना। तो कैकुकाबाद अपने, कैकुकाबाद अपंग होने पर अपने 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बनाता है। जब ये कैकुबाद जब ये अपंग हो जाता है, लकवा मार देता है उसको, तो उन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बनाया, है ना। क्यूमर्स का संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी को बनाया। आखिर इतने छोटे बच्चे कैसे शासक बना सकते हैं, और ये शासन को संभालें कैसे, इसको संभालने के लिए इसको एक संरक्षक यानी बॉडीगार्ड दिया गया जो उसको प्रोटेक्शन देते थे, उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था, जलालुद्दीन खिलजी को बनाया। नए सुल्तान को शमसुद्दीन क्यूमर्स की उपाधि दी गई, क्या दी गई, शमसुद्दीन क्यूमर्स की उपाधि दी गई, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कैकुवाद एवं क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। 1290 में कैकुवाद को भी मार दिया और क्यूमर्स को भी मार दिया, और क्यूमर्स मारने के बाद उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। इसके बाद जो अगला वंश आएगा वो है खिलजी वंश, है ना। अभी हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, इस नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो है खिलजी वंश। तो आप इसके बाद आपका आई बटन में ऊपर में शो कर रहा होगा खिलजी वंश। तो जो लोग भी पहला क्लास नहीं किए हैं, जो शुरू में मिलेगा आपको वो गुलाम वंश का पूरा, उसमें ट्रिक दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास आएगा खिलजी वंश का, ठीक है। ये आज का गुलाम वंश का टोटल जितना भी शासक था उन्होंने क्या क्या काम किया, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो इससे बाहर क्वेश्चन पूछता भी नहीं, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखें, इसमें नोट लिख लें कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान क्यूमर्स था, और गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया था, है ना। जो भी लोग इस क्लास में हैं न्यू, वो अगर वो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे क्लास में जुड़ सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे जुड़ के आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, और टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जो भी स्टूडेंट न्यू है वो क्लास को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो आज के इस क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगला क्लास जो हमारा आएगा वो है खिलजी वंश के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।